सदर के नहले पर हुकूमत का दहला, अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास से मंजूर करा लिया, सदर को मंजूरी के लिए दोबारा भिजवाया जाएगा। आरिफ अलवी के दस्तखत न करने पर बिल 10 रोज बाद कानून बन जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, सदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, किसी सियासी जमात के रुकन न बने। पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब में इलेक्शन कराने के पैसे इलेक्शन कमीशन को न मिल सके। हुकूमत को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने थे, लेकिन ये रकम इलेक्शन कमीशन को न मिल सकी। हुकूमत ने पैसे देने पर असेंबली से राय मांग दी। इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असेंबली को भेज दिया गया। स्पीकर ने कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। कौमी असेंबली का इजलास अब अगली जुमेरात को होगा। मुल्क में इलेक्शन का मुनक्किद होना एक आईनी जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के जेरे एहतमाम कराए जाएं। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है। पीटीआई ने एक बाकायदा मुनज्जम साजिश के जरिए आईनी व कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है मुल्क में। पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं, एक ही दिन में इंतखाबात से अखराजात की बचत होगी। पीटीआई की पूरी कोशिश है मुल्क दिवालिया हो जाए। ये अनासिर मुल्क को दिवालिया नहीं कर सके, लेकिन आईनी बहरान पैदा करने में कामयाब हो गए। हुकूमत का हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। आईने पाकिस्तान के गोल्डन जुबली पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अवाम का रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाने, उसके असूलों की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करने का अहद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानियों का जज्बाती अंदाज में तस्करा। जेल की काल कोठरी से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी साहबजादी को खत लिखा, जिसमें तहरीर किया, याद रखना फलसफा बेबस और मजबूर इंसानों की भूख से जन्म लेता है, सो उनसे अपना रिश्ता मजबूत रखना जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने वफा का ये रिश्ता निभाते हुए तख्तादार को चूम लिया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसी रिश्ते की खातिर अपनी जान कुर्बान कर। वी कैन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डायलॉग विद द ऑपोजिशन विद एनीबॉडी ही वांट्स टू, बट दे हैव टू कम टू हिम। He is the prime minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the prime minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Opposition muzakarat chahti hai to Shehbaz Sharif se baat kare। हमने नहीं कहा था बॉयकॉट करो या इस्तीफे दो, मुज़ाकरात के लिए शरायत न रखी जाएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पीटीआई को जवाब। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब, कहा किसी को आईन से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को बनाने वाले हम हैं और बचाना भी हमारा फर्ज है। मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आईन के मुहाफिज हैं। जो सियासी बातें इधर की गई, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। हमारा काम यह है कि जल्द फैसले करें आईन और कानून के मुताबिक। आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने गलतियों और नादानियों से सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऐवान में होने वाली सियासी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा का पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन से खता, कहा हम दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी एक दूसरे से करते हैं। वजीर आजम ने 10 अप्रैल को यौम आइन करार देकर एहसन इकराम किया। समझे थे अदम एतमाद हो गया, साजिश खत्म, लेकिन साजिश आज भी चल रही है। साजिश में मुलव्वस लोग आज भी अदलिया में मौजूद है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का खिताब, बोले हमने एक दो नहीं तीन आमिरों को भगाया है। आमिर ने नफरत इंतकाम की सियासत का बोझ डाला, जिसका आज तक मुकाबला कर रहे हैं।
आईनी बहरान चल रहा है। चीफ जस्टिस और साथ दूसरे जजेस अपने केस को अक्सरियत में साबित करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नतीजे के ऐलान और पोल डे की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) और 58 में तरमीम की तजवीज, कहा इख्तियार पहले इलेक्शन कमीशन के पास ही था, 1985 ज़िया मार्शल लॉ के दौर में वापस दे दिया गया। कराची और हैदराबाद में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात की तारीख आगे हो गई। इंतखाबात अब 18 अप्रैल के बजाय 7 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रमजान के 22 उम्मीदवारों ने इंतखाबात की तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत दायर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन के नाम शामिल। जस्टिस मजाहिर नकवी के खिलाफ भी एक और शिकायत दायर की गई। दरख्वास्त गुजार सलमान डोगर एडवोकेट की 4 जजेस को ओहदे से हटाने की इस्तदा। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के चैम्बर में पेशी। जस्टिस काजी फायज के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरख्वास्तें 24 अप्रैल 2021 को खारिज हुई। हुकूमत ने वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रिव्यू वापस देने की दरख्वास्त दायर की। पीटीआई ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज होने के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर रखा था। लाहौर में रूडा शहरियों को बेहतरीन तर्ज जिंदगी फराहम करने के लिए कोशां। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का माहौलियाती सर्वे का पहला ड्राफ्ट मुकम्मल। रूडा इंडस्ट्रियल जोन में 550 के करीब इंडस्ट्री में से एक के पास भी ईपीए की एनओसी मौजूद नहीं। इंडस्ट्री को माहौल दोस्त बनाने के लिए इकदाम जारी। तमाम इंडस्ट्री माहौलियाती असरात, जेर जमीन पानी का इस्तेमाल, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया गया। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज फिर सरगर्म। लाहौर के ओपन मार्केट में चीनी 125 रुपए किलो हो गई। ब्रांडेड पैकिंग वाली चीनी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा। कीमत 130 से बढ़कर 145 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग अशिया खरीदने में मसरूफ। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों और बच्चियों के लिए ज्वेलरी की खरीदारी। दुकानदारों के होश उड़ा देने वाले दाम। गरीब कीमतें सुनकर परेशान। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होगा। पीसीबी का 2 मौकिफ। नजम सेठी कहते हैं कि एशिया कप की मेजबानी के लिए जो फैसला होगा उसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। अगर भारत मैच तीसरे मुल्क में खेला तो यही मॉडल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी होगा। हुकूमत का न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। काबीना ने फौज और रेंजर्स की तायुनाती की मंजूरी दे दी।